गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम बात करेंगे अपनी फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन, जो ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के अगले वीडियो की। उम्मीद है कि अभी तक की जो हमारी ये सीरीज़ है लर्न टू अर्न, इसे आपने कंप्लीट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को बेहतर है आप इसी समय पॉज करें और इससे पहले लर्न टू अर्न सीरीज़ की ये 12 वीडियोज़ के करीब हैं, ये कम्प्लीट देख लें। और फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन की वीडियोज़ हमेशा सीरीज़ वाइज ही देखें, क्योंकि अगर आप इसकी एडवांस सीरीज़ देख रहे हैं, जैसे कि आप अगर ये 16th वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी, तो आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि हम यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। इन वीडियोस को सिलसिलेवार बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियोज़ आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे यहीं पर पॉज करें। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड के, ये आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। इसे वन बाय वन देखें तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये हमारा 16th वीडियो है इस सीरीज़ का, और ये है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का मकसद आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हर उस निवेशक को जो कि रिटेल निवेशक के तौर पर मार्केट में अभी अभी आया है, उसे ये समझाना है कि किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टर्म लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना आपको, ताकि आपको ये पता चले कि बैलेंस शीट पर उस चीज़ को देखते समय आपको उसे इंटरप्रेट कैसे करना है। ये है आज का जो ये टॉपिक है, ये है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अभी तक का जो भी हमने सीरीज़ के अंदर बैलेंस शीट को डिस्कस किया है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसा कि इन्फोसिस बैलेंस शीट हमारी पूरी तरह से डिस्कस हो गई है, माफ़ कीजिएगा, आज का जो ये टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेसिकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है। नाउ, मोटा मोटी अगर बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट असल में आपको ये बताता है कि किसी एक कंपनी के पूरे एक साल के अंदर जो भी उसने धंधा किया, कितने पैसे का उसने टोटल धंधा किया, जो भी उसने बनाया सामान वो कितने का बेचा, उसमें उसकी लागत कितनी आई, खर्च कितना हुआ, और सबसे आखिर में आकर उसका कुल प्रॉफिट कितना निकला। तो असल में बैलेंस शीट जितनी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी है। बेसिकली जब आप एक शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो शेयर खरीदते समय आप उस कंपनी का बिजनेस खरीदते हैं। आप शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो क्या आप उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे? जाहिर है नहीं। तो आप खरीदते हैं उस बिजनेस की स्ट्रेंथ, कि वो बिजनेस कितना मजबूत है। और ये चीज आपको कहां से पता चलती है? ये चीज आपको पता चलती है कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि कंपनी का चार्ट देखना। चार्ट के बाद सेकेंड चीज है उसका ओवरव्यू देखना, उस कंपनी का ओवरव्यू के बाद सेकेंड थर्ड है कंपनी की बैलेंस शीट देखना, और बैलेंस शीट के बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना। नाउ, ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको कहां से मिलेगा? सेम वही, मनी कंट्रोल खोलिए, मनी कंट्रोल में कंपनी का नाम डालिए, जैसा कि हमने इन्फोसिस डाला है। इन्फोसिस डालने के बाद इन्फोसिस की बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स खोल लीजिए, और उसके बाद यहां पर ये जो सर्च का पार्ट है, यहां पर जब आप डालेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पर, सबसे पहला आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस। गो पर क्लिक कर दीजिए, जो अगली विंडो खुलकर आएगी वहां पर आपको कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मिलेगा। ये ईयरली बेसिस पर होगा, एक चीज का ध्यान रखिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मनी कंट्रोल पर आपको ईयरली बेसिस पर मिलेगा, जो कि अच्छा है देखना मनी कंट्रोल से, जिसमें कि पिछले 5 सालों का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च 15, मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19। नाउ, यहां से आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। ठीक, इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बाद में बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें कि
sales turnover, net sales, other incomes, then total income, then raw material, power cost, employee cost, other manufacturing expenses, miscellaneous expenses, total cost, then operating profit margin आ जाता है, then EBITDA आ जाता है, then reported net profit है. इसके बाद shares जो issue हुए हैं उनकी information है, then earning per share है, then last में book values हैं. Now ये सारे जो topics हैं ये इनको हम सेपरेट एक एक वीडियोस बनाकर, इनकी छोटी छोटी 10-15 मिनट की एक एक वीडियोस बनाकर आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे. यहाँ पर हमें जानना है ज़रूरी है कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मनी कंट्रोल से आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं. सेकेंड चीज़ है, खोलिए bscindia.com की साइट, इसकी सर्च इंजन पर डालिए इन्फोसिस. इन्फोसिस का ये ओवरव्यू आ गया. यहाँ से जाइए फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल से जाइए रिजल्ट में. यहाँ पर आपको जो रिजल्ट इन्फोसिस के मिलेंगे वो होंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18, मार्च 18, जून 18. नाउ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों आप सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एनालाइज करके कंपनी खरीद नहीं सकते? क्योंकि जब आप साल दर साल कंपनी को एनालाइज करते हैं तब आपके पास एक लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन होती है. लॉन्ग टर्म के साथ हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ताकि कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज हो. वो शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से bscindia की वेबसाइट पर मिल जाती है. ये दिख रहा है आपको bscindia की वेबसाइट, और आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि इसे थोड़ा सा जूम करके भी दिखाएं. ओके, सो जूम करके दिखा देते हैं आपको इसके बारे में. ओके, आप में से वो लोग जो इसे मोबाइल पर देख रहे हैं उनके लिए. ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इसे. जो इसका एड्रेस है वो एड्रेस आपको दिखा देते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर है bscindia.com. ओके, सो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर. नाउ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस को एनालाइज कैसे करना है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा. जून 19 का कंपैरिजन आपको करना है जून 18 से, यानी इसी क्वार्टर का कंपैरिजन पिछले क्वार्टर से, इसी साल के मतलब कि जून 19 का कंपेयर करना है आपको जून 18 से, एक. और सेकेंड एनालिसिस करनी है जून 19 की मार्च 19 से, यानी इस क्वार्टर की कंपेरिजन पिछले क्वार्टर से, इस क्वार्टर की कंपेरिजन पिछले क्वार्टर से, प्लस इस क्वार्टर की कंपैरिजन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से. और इसके अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ा सा ये कठिन पड़ रहा है एनालिसिस करना, तो एक चीज़ जानिए, कुछ खास चीज़ें हैं जिसे आपको कंपेयर करना चाहिए, जैसे कि टॉप लाइन, मार्जिन्स और साथ ही नेट प्रॉफिट. ठीक है, बस ये तीन चीज़ें अगर आप कंपेयर कर लेते हैं दैट इज़ मोर देन सफिशियंट. और इसमें से मार्जिन और नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है ना? सिर्फ ये दो चीज़ें अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो ये आपका जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है. नाउ ये था एक मोटा मोटी ओवरव्यू आपको देना कि बेसिकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है. प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंतर्गत आपको पता चलता है कि कंपनी टोटल कितना धंधा कर रही है साल दर साल, इस धंधे में से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाल रही है और कंपनी की जेब में मुनाफा कितना आ रहा है. ये आपको पता चलता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से. और ध्यान रखिए कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ही वो इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर डिस्कस होता है बिजनेस चैनल्स पर. जब भी आप कभी देखते हैं कि बिजनेस चैनल्स, जैसे करंटली बिजनेस चैनल ये कह रहे हैं कि रिजल्ट का सीजन है और रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो बेसिकली रिजल्ट और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है जिसे वो डिस्कस करते हैं. इसके अंदर भी टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन्स. तो ये क्या है, ये आपको हम आने वाले जो वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर एक एक वीडियोस के बारे में एक एक टॉपिक्स लेकर आएंगे और वो बताते रहेंगे. करंटली सिर्फ इतना जानिए कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी शेयर को खरीदने से पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि कंपनी की साल दर साल ग्रोथ कैसी हो रही है उसके बिजनेस को लेकर. सेकेंड, जितनी कंपनी की बिजनेस ग्रोथ हो रही है उसके कंपैरिजन में कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है. प्रॉफिट कंपनी जितना ज़्यादा जनरेट करेगी, जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, आपके लिए निवेश के उतने ही अच्छे मौके होंगे. इसलिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. अब फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज से जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए इस वीडियो के और ये बताइए कि आज से पहले आप में से कितने लोग ऐसे थे जो वाकई किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करते थे या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एक नज़र देखते ज़रूर थे. उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो ये हमारा सेशन है, बिल्कुल छोटा सा, देखिए कितनी देर का सेशन है, 8.5-9 मिनट का सेशन, ये सेशन आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में. इस जो वीडियो है इसका मकसद था आपको लेमैन लैंग्वेज में ये बताना
कि बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से की जाती है। आप में से वो लोग जो चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें लग रहा हो कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हल्की है, तो जान लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे उन दर्शकों के लिए जो अभी अभी मार्केट के अंदर आए हैं रिटेल निवेशक के तौर पर, और जिन्हें एनालिसिस का ए भी नहीं आता है। उनके लिए बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये सेशन न केवल आपको पसंद आएगा बल्कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और आपको कुछ सिखाएगा भी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और आज से पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कब कब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर अकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।